लगातार मॉनसून की बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई इलाके में पानी भर चुका है। लोग अब इस पानी के बीच में रहने को मजबूर हैं। नदियां उफान पर हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं, आशियाना उजड़ चुका है और ऐसे में इसी हालात में लोग लगातार अपना जीवन बिता रहे हैं। जरा तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए। पहली तस्वीर पश्चिम चंपारण की, वहां उफनती नदी में एक नाव जो है वो पलट गई। राहत की बात यह रही कि सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पूर्णिया जिले की है। यहाँ नदी की कटाव की वजह से देखते देखते प्राथमिक स्कूल जो है वो जमींदोज हो गया। तीसरी तस्वीर सीतामढ़ी की है, वहां बाढ़ की वजह से कई गांवों को जोड़ने वाला जो पुल था वो अब बह गया है, जिसके बाद कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। और देखिए दोनों ही छोर पर लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। यही एक रास्ता था जिससे वो इस ओर से उस ओर जाते थे, लेकिन अब वो पुल भी पानी के भेंट चढ़ चुका है। तो तीन तस्वीरें इस वक्त स्थिति को बयां करने के लिए काफी हैं कि बिहार में किस तरीके से मॉनसून ने दस्तक दी और लोगों की दिक्कतें बढ़ाई। बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया से चौंकाने वाली तस्वीरें आई। वहां सिग्रहाना नदी में एक नाव पलटने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि नाव इसलिए डूबी क्योंकि उसमें 25 लोग सवार थे, जबकि नाव में सिर्फ 10 से 15 लोग ही बैठ सकते हैं। यही वजह रही कि नदी में पहुंचते ही नाव का संतुलन बिगड़ गया और थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो डूब गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। कुछ लोग तो डूबते लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। नाव किनारे के पास ही पलटी थी, इसलिए कुछ लोग तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उन्हें दूसरे लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पश्चिम चंपारण के बेतिया से ये चौंकाने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां नदी में एक नाव पलटने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि नाव इसलिए डूबी क्योंकि क्षमता से ज्यादा लोग, 25 का आंकड़ा बताया जा रहा है, 25 लोग इस नाव में बैठे थे। अब देखिए आलम यह है कि चारों तरफ पानी, सड़क भी पानी में डूब चुका, पुल भी पानी में डूब चुके और कहीं भी जाने के लिए अब नाव का सहारा ही लेना पड़ रहा है। लेकिन इतनी नाव नहीं है इलाके में जितनी होनी चाहिए, इसलिए एक ही नाव पर आप देखिए 25 लोग सवार होते हैं, संतुलन नाव का बिगड़ता है। और ये पहली बार हादसे की तस्वीर नहीं आई है, हर बार अधिक लोग नाव पर बैठ जाते हैं, संतुलन बिगड़ता है और नाव ऐसे ही पलट जाती है। 10 से 15 लोगों के बैठने की जगह पे 25 लोग इस नाव में बैठे थे। नदी में पहुंचते ही नाव का संतुलन बिगड़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो डूब गई। मुन्ना राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी बिहार के बघा से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुन्ना, फिलहाल जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखा दीजिए कि स्थिति क्या बनी हुई है। जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि यह बगहा का सिसवा बसंतपुर का इलाका है। यह मुख्य सड़क है जिस पर हम खड़े हैं और सामने देख रहे हैं वाहनों की जो कतार लगी है, यह मुख्य सड़क का नजारा है। और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुख्य सड़क से आवागमन पूरी तरह बाधित है। रोड सड़क पर 4 से 5 फीट पानी लगा हुआ है और लोग देखिए नावों के सहारे कैसे आ रहे हैं। एक दो नहीं, करीब दर्जन भर नाव है जो सिकराना नदी के ओवरफ्लो के बाद जो पानी जल जमा हुआ है उसको देखने के लिए लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह नावों से लोग आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। क्या परेशानी हो रही है आप लोग, कितना क्या प्रभावित है? आने जाने वालों को बहुत परेशानी है ना, तब सड़क से नहीं जा पाएंगे आप? सड़क जाने पर खराब हो गया, सड़क कहाँ कामयाब है, सब तो बिल्कुल भी पानी गड्ढा मार दिया, पानी से चारों बगल छैल है, कोई हमको निदान नहीं है, आने जाने की कोई रास्ता नहीं है, घाटी वाली महीने दिन से हमको कोई भी रास्ता नहीं है। नाव कितना सुरक्षित है? नाव भी बहुत है, कभी पलट जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी पानी का कोई ठिकाना नहीं है। स्थानीय एक व्यक्ति और कैसे माने देखते हैं कितनी व्यवस्था और कब से परेशानी हो रही है? यहाँ 15 जुलाई से हम लोग बाढ़ से झेल रहे हैं,
मेन रोड पे 10 फीट गहरा पानी है, नाव से आने जाने का रास्ता है, बाकी कोई उपाय नहीं। तो अर्पिता, आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए मुख्य रोड है जो तमाम इलाकों को जोड़ता है, और इस मुख्य रोड का एक छोर पे आप वाहन देख रही हैं और दूसरी छोर की हम बात करते हैं। देखिए मुख्य रोड सड़क पे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो इसके बाद पानी शुरू हो गया है लगातार। देखिए सामने तस्वीरों के माध्यम से देखिए कभी नाव से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और सामने एक गांव दिख रहा होगा। ऐसे ऐसे बगहा पुलिस जिले की बात करें तो करीब 100 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह टापू से घिर गए हैं, पूरा पानी पानी हो गया है। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ के लोग जलकैदी बने हुए हैं। तो ऐसे हालात हैं इन इलाकों में। सकराना नदी के ओवरफ्लो होने के साथ ही मसान नदी भी यहाँ उफान है। जी अर्पिता, रहिए आप जरा साथ। वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में सिकराना और मसान नदी जो है वो उफान पर है। आसपास के कई गांवों में इन दोनों नदियों का पानी घुस गया, सड़कें नदी की तेज धार में बह गईं, जिसकी वजह से सैकड़ों गांवों का संपर्क शहरों से कट गया। लोग आने जाने के लिए छोटी छोटी नाव का सहारा ले रहे हैं। बगहा के कई इलाकों में मसान के साथ सिकराना नदी ने तबाही मचा रखा है। करीब 4 दर्जन ऐसे गांव हैं बगहा में जिनका संपर्क पूरी तरह टूट गया है और वो इलाके टापू की तरह घिर गए हैं। हम कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यह मुख्य सड़क है, पूरी तरह सड़क पर पानी है और लोगों का सिर्फ नाव ही एक सहारा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह लोग अपने बाइक को, अपने पूरे परिवार को मजबूरन नाव के सहारे ही पहुंचा सकते हैं। जो भी सड़क है, मुख्य सड़क है, उस पर पानी ही पानी है। लोगों की इतनी बड़ी परेशानी है और सरकार खामोश है, जानने की कोशिश कर क्या किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? हम लोग को आने जाने में सर बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग जब भी बारिश की मौसम होती है हम लोग बहुत परेशानी से झेलते हैं। यहाँ से आने जाने में, राशन लाने जाने में, आने जाने में, कोई भी मार्केटिंग करना हो तो हर तरीका से हम लोग को दिक्कत होता है सर। पुनः हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जरा बताइए कि किन किन जिलों में बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा है और जो नेपाल से नदियां आ रही हैं उनसे खतरा कितना बढ़ा? जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि चंपारण का जो इलाका है मुख्यतः गंडक नदी के प्रभाव से ही प्रभावित होता है, लेकिन इस बार का तस्वीर थोड़ी बदली सी है। गंडक नदी का डिस्चार्ज बिल्कुल सामान्य चल रहा है, करीब 2 लाख क्यूसेक से नीचे चल रहा है। इस बार पहाड़ी नदियों ने कहर बरपाया है और बगहा की बात करें, बेतिया की बात करें तो यहाँ सिकराना मसान के साथ ही करीब 0.5 दर्जन ऐसी पहाड़ी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं और उनके जलस्तर में काफी वृद्धि है। और इन नदियों की एक और खासियत है कि इनकी धारा काफी तेज होती है, तो बाढ़ के साथ ही कटाव की भी समस्या तमाम इलाकों में है। और बगहा में हम लोग बात करें तो करीब 2-3 प्रखंडों की में 100 ऐसे टोले हैं, गाँव हैं जिनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। वो लोग टापू में है तो उनके सामने नाव के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और सरकारी स्तर पर व्यवस्था की हम लोग बात करें तो सरकारी स्तर पर अभी तक लोगों को नाव तक नहीं मिला है। निजी स्तर से जो नाव है वो पूरी तरह असुरक्षित है, लगातार हादसे भी हो रहे हैं इस बीच। तो एक सरकारी सिस्टम पर भी बड़ा सवाल है कि लगातार सिकराना और मसान नदियां उफान पर है, तबाही मचा रही है और सरकारी अधिकारी खामोश बैठे हैं। जी अर्पिता, ठीक रही जरा आप साथ। देखिए बिहार के पूर्णिया से भी एक दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां देखते ही देखते कनकई नदी में प्राथमिक स्कूल का एक पूरा हिस्सा जो है वो समा गया। गांव के लोगों ने बताया कि बाढ़ की वजह से कनकई नदी तेजी से किनारे को काटती जा रही है, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि किनारे पर बना प्राथमिक स्कूल, उसकी इमारत नदी में समा गई। मुन्ना राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं जो फिलहाल स्थिति क्या है वो भी बता रहे हैं। मुन्ना राज, जिस तरीके की हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रशासन को कितनी मुस्तैदी के साथ वहां तैनात आप देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर भी कहा जा रहा है कि जो ये बिल्डिंग स्कूल की गिरी, एक इमारत का हिस्सा, प्रशासन को पहले चेताया गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी अर्पिता, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से राहत की बात है। तो बाढ़ आपदा जब चल रही थी, बाढ़ का कहर जब लगातार चल रहा था, इस बीच पूरे बिहार में अंचल अधिकारियों का तबादला होता है। नए अधिकारी अभी तक योगदान नहीं लिए हैं और जिन अधिकारियों का तबादला हो गया है वो लोग इन सब में रुचि नहीं लेते हैं। तो ऐसे में लगातार आपदा प्रबंधन का ब्लॉक स्तर पर जिन अधिकारी की
शैली होती है, जिनका कर्तव्य होता है, उनका तबादला हो जाता है, वो अब इन इलाकों में आना नहीं चाहते हैं और नए अधिकारियों ने योगदान नहीं दिया है। तो हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकारी स्तर पर क्या लाभ मिला है, सरकारी स्तर पर क्या व्यवस्था हो रही है। यहाँ तो कुछ लाभ नहीं मिला, न ही कोई आता है और न ही कुछ देखता है। बस कैसे चल रहा है फिर आपका? अब सब लोग अपना निजी नाव रखा है, सरकारी स्तर से कुछ नहीं मिल रहा है। क्या सरकार के स्तर से क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? अभी हमारे एकाध भाई बताए हैं जो सरकारी स्तर से कुछ नहीं हो रहा है, बस वही है कुछ नहीं तो हो रहा है। अर्पिता, आप देख सकती हैं कि सरकार का क्या स्थिति है और सरकारी अधिकारी इस इलाके में किस तरह राहत कार्य पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, जिस पर मैं खड़ा हूं, लगातार पानी की रफ्तार देखिए। यह मुख्य सड़क है और करीब यहां से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब आगे के इलाके में आप पहुंचिएगा तो वहां मुख्य सड़क पर 10 फीट तक पानी चल रहा है। और सामने देखिए, सड़क के जिस सड़क पर वाहनों को दौड़ना चाहिए था वहां देखिए नाव चल रहे हैं अभी। तो अब इससे दर्दनाक स्थिति और क्या आ सकती है। मुख्य सड़क है, ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से बनाया हुआ करोड़ों रुपए का सड़क है, जिस पर पानी का यह स्पीड देखिए और सामने नाव देखिए कि किस तरह की स्थिति है। जिस सड़कों पर वाहनों को दौड़ना चाहिए था वहां नाव चल रही है। तो तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो नीचे आपको दिखा रही हैं। और पिता, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि 90 के दशक में मसान नदी से निजात के लिए मसान डैम परियोजना की बात की गई थी, सिकराना नदी से बचाने के लिए गाइड बांध की बात की गई थी। अभी तक फाइलों में है, सरकारें बदली, व्यवस्था जरूर बदला, लेकिन इन फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया गया और यह त्रासदी, यह परेशानी लगातार हर साल इस इलाके के लोग जूझते हैं। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। जिस तरह इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सीबीआई लखनऊ के एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। खबर है कि यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी हुई। सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की है, 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इस मामले में सीबीआई लखनऊ के एंटी करप्शन ब्रांच ने बकायदा एफआईआर भी दर्ज की। खबर है कि यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की इस वक्त छापेमारी चल रही है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अजीत, देखिए बिल्कुल अर्पिता, रिवर फ्रंट के घोटाले की पहले से सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन और अब इस पूरे घोटाले में 190 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। और रिवर फ्रंट घोटाला चूंकि बहुत बड़ा था, लगभग 1400 करोड़ के आसपास का ये मामला था अखिलेश सरकार का, इसकी तीन जांचें अलग अलग टीमें कर रही थी। और अब देश के कई इलाकों में, लखनऊ, नोएडा समेत कई राज्यों में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी रूप सिंह यादव जो चीफ इंजीनियर थे वो जेल जा चुके हैं, कई सारे इंजीनियर जेल के हवालात के पीछे हैं। लेकिन अब सीबीआई ने शिकंजा कर दिया, 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और लगातार लखनऊ से लेकर नोएडा तक और दूसरे स्टेट में भी छापेमारी की जा रही है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की तरफ सीबीआई बढ़ती है, क्योंकि जब योगी सरकार आई थी तो आते ही सबसे पहले गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच की गई थी, उसकी कई न्यायिक जांच हुई, इसके अलावा एसआईटी गठित की गई और बाद में इसे सीबीआई को रिफर कर दिया गया। और उस वक्त सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज किया था और ईडी ने भी दर्ज किया था, यानी ईडी भी जांच कर रही है और सीबीआई भी। लेकिन अब सीबीआई ने 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जांच को आगे बढ़ा दिया और लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कई बड़े नाम सीबीआई के शिकंजे में हो सकते हैं और वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा घोटाला था जिसमें बाहर से विदेशों से फाउंटेन लगाए गए थे, पता लगा 5 लाख का फाउंटेन जो है 1.5 करोड़ में आया, जो 50 लाख की चीज थी वो 5 करोड़ में आई। इन सब की जांच सीबीआई कर रही है और जो उस वक्त के इंजीनियर थे रूप सिंह यादव, उनको सीबीआई पहले ही अरेस्ट करके जेल भेज चुकी है। अर्पिता, अजीत आप नजर बनाए रखिए। एक बार फिर लौट रहे हैं बाढ़ की खबरों की तरफ। बिहार के सीतामढ़ी के हालात जरा कुछ देख लीजिए आप, अलग नहीं है। वहां पर भी नेपाल से आने वाली नदियों ने जमकर तबाही मचानी शुरू की है। बागमती नदी की तेज धार की वजह से वहां कई इलाकों में बना तटबंध 15 मीटर तक टूट गया, जिसकी वजह से नदी का पानी कई गांवों में घुस गया। सड़कें, कच्चे रास्ते सब पानी में समा गए। जहां गाड़ियां चलती थी वहां नावें चलने लगी।
तो जरा स्थिति आप देखिए, अलग अलग जगहों की फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो रास्ते हैं वहां पर सब पानी नजर आ रहा है और ऐसे में कहीं भी जाने के लिए लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ विकल्प के तौर पर नाव ही है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी घुस चुका है, लोगों के आशियाने उजड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन समस्या ये कि लोग जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि अभी कोई ऐसा प्रबंध प्रशासन की तरफ से इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ कि लोगों को वहां से शिफ्ट कराया जा सके। मुन्ना राज हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मुन्ना, किस किस जगहों पर अभी ज्यादा हालात बिगड़े हैं लोगों को शिफ्ट कराने के लिए, यानी लोगों के जिनके पूरे पूरे गांव डूब चुके हैं, वहां जो लोग रह रहे थे, क्या उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया गया है? जी अर्पिता, यहाँ बताना जरूरी है कि लगातार अभी फिलहाल जो दो नदियां हैं पश्चिमी चंपारण की, मसान नदी और सिकराना नदी, दोनों के जलस्तर में वृद्धि हुई है और यह नदियां जब भी चलती है तो तेज वेग के साथ चलती है। ऐसे में कई सड़कों को बर्बाद कर दिया है, कई सड़क संपर्क हैं जो पूरी तरह कट गए हैं। तो इसको लगातार, अगर बगहा की बात करें, रामनगर की बात करें और अन्य ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो करीब 100 ऐसे टोले हैं जिनका संपर्क टूट गया है। गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है और जहां सड़क टूट गई है वहां पे पानी ही पानी है। इस परिस्थिति में लोग या तो कहीं चचरी पुल बना रहे हैं, या तो बांस बल्ली के सहारे जा रहे हैं, और नहीं तो फिर सामने आप देखिए नाव के सहारे, करीब एक दो नाव नहीं, लगातार इन जिन सड़कों पर मैं लगातार बता रहा हूं कि जहां वाहन चलने चाहिए थे, वाहनों की रफ्तार होनी चाहिए थी, वहां नाव अब चल रही है। और जितने भी नाव हैं पूरी तरह छोटी नावें हैं और सुरक्षित नावें हैं। तो करीब आधा दर्जन ऐसी वारदात भी हो चुकी है। एक बार फिर मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यह मुख्य सड़क है जो आरियो से बनाया गया है तमाम इलाकों के लिए। तो एक तरफ देखिएगा वाहन, यहाँ तक नाव से लोग पहुंचते हैं और यहाँ से वाहन से जाते हैं। दूसरी तरफ फिर तो तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए लोग नाव के सहारे कैसे जा रहे हैं और तमाम धीरे धीरे नाव का सफर करते हुए इन लोग का 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक का सफर तमाम ऐसे टोले हैं जहां सड़क के किनारे किनारे नाव चल रही है। देखिए सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दो नहीं, करीब आधा दर्जन ऐसे नाव हैं जो तमाम गांवों तक पहुंच रहे हैं और लगातार इस पे बाइक, और आश्चर्यजनक ऐसा है कि बारात तक नाव से ही 10-15 नाव इकट्ठा करके लोग अब बारात निकाल रहे हैं, जिनकी बेटियों की शादी है, जिनके बेटे की शादी है, और बारात तक के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसी आप लगातार विकास की बात करते हैं, तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं और इस जमीनी हकीकत आपका यही है जिस जिले में लगातार मुख्यमंत्री अपनी हर यात्राएं शुरू करते हैं और उस जिले की तस्वीरें बयान करती है। जी अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ, देखिए वहीं जरा और तस्वीरें भी बिहार की दिखा दें। बिहार के अररिया में तो बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां नूना नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से आसपास के कई गांवों में नदी का पानी घुस चुका है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें गांव के अंदर घुटने के ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए गांव छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जाने के लिए मजबूर हैं। अभी हम सिकती के पररिया पंचायत के इलाके में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह सालगुड़ी का जो यह गांव है, वार्ड नंबर 6 बताया जाता है। और हम बता दें कि इस पंचायत में जो नूना नदी ने कहर बरपाया है, जो पानी पीने के लिए सरकार द्वारा जो नल जल योजना है वो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वो जो पानी देना था जिस नल को, वो खुद डूब चुका है। और दूसरी तस्वीर हम दिखलाना चाहेंगे, यह सालगुड़ी गांव का जो है, यह एक घर है जिसका एक रसोई घर है यहाँ पे, और ये रसोई घर में जो है बिल्कुल जो है पानी जो है लबालब हो चुका है, डूब चुका है। बाढ़ ने यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं, देखिए सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ और बारिश मुसीबत बनी हुई है। कूचबिहार इलाके में नदी के तेज बहाव में एक स्कूल की इमारत बह गई, या यूं कहें कि स्कूल ने नदी में जल समाधि ले ली। लोगों का कहना है कि भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी के किनारे तेजी से कट रहे हैं। इसी वजह से किनारे पर बने स्कूल नदी के तेज धार की चपेट में आ गया और थोड़ी ही देर में स्कूल जमींदोज हो गए। तो ये कुछ बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्कूल जो है पूरा का पूरा प्रांगण जो है वो जलमय नजर आ रहा है। इलाके में जो और छोटे छोटे घर थे वो भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ रहे हैं आगे। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी भारतीयों का डीएनए
एक बताया। साथ ही उन्होंने गांव के गाय के नाम पर लिंचिंग करने वालों को हिंदू के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसे मामलों में कानून को ही अपना काम करने देना चाहिए। भागवत ने कहा कि भय के इस चक्र में न फंसे कि भारत में इस्लाम खतरे में। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपना बनाता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती, और संघ पहले से ऐसा मानता है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए, हमको उसमें कोई गम नहीं। दिल से आवाहन है कि भाई हम एक है, हमको एक होना है। राष्ट्र की प्रगति समाज के, संगठित समाज के अस्तित्व के बिना नहीं होती है। संगठित समाज ने आपस में आत्मीयता से जुड़ा हुआ समाज, संगठन यानी कोई एक रचना नहीं, उस रचना के पीछे जो भाव है ये अपनेपन का होता है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है, ये दो है ही नहीं। एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं है तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, देखिए मोहन भागवत जब बोलने पर आए तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बात दोहराई कि सभी भारतीयों का जो डीएनए है वो एक है, अलग तो बात ही नहीं है, एकता की बात ही नहीं है, डीएनए ही एक है। देखिए बिल्कुल, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल गाजियाबाद में एक पुस्तक विमोचन के मौके पर यह बात कही है कि जो भारतीय हैं उन सभी का डीएनए एक है, एक ही पूर्वज है, उनके पूजा करने की पद्धति अलग 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 हो सकती है, लेकिन पूजा की पद्धति जो अलग अलग होने से उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। और ये संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये पहली बार बयान नहीं है, ज्यादातर जब भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बोला जाता है या इस तरह के इश्यूज पर वो बोलते हैं तो हमेशा इस बात को कहते हैं कि डीएनए एक है, चाहे आप 30,000 से 40,000 साल पहले के जो पूर्वज देखेंगे उन सब वो सब एक ही हैं, यानी कि इस देश में जितने भी रहने वाले लोग भारतीय हैं उन सबके पूर्वज एक हैं। हालांकि अब समय के साथ उनकी पूजा करने की पद्धति अलग हो गई हो, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में किसी को भी बाहर हिंदू या मुस्लिम के प्रभुत्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता। लिंचिंग करने वालों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया कि जो लिंचिंग करते हैं और इस लिंचिंग के नाम पर जो लोगों को मारते हैं वो कानून का पालन नहीं करते और वो हिंदुत्व नहीं हो सकता। यानी कि साफ तौर पर कहा कि गाय पूजनीय जरूर है लेकिन उसके भाव पर किसी को मारना बिल्कुल गलत है और वो हिंदुत्व के खिलाफ है और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। एक बड़ा बयान मोहन भागवत का इस तौर पर भी माना जा सकता कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत में इस्लाम खतरे में नहीं है। जिस तरह की बातें हमेशा की जाती हैं आरएसएस को लेकर, जिस तरह का एक स्वरूप बनाया जाता है वो उससे अलग है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बार नहीं कई बार इस बात को कह चुके हैं कि डीएनए एक है और जहां तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात है तो वो राजनीति से एकता नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों अलग नहीं है। अगर दोनों के डीएनए में जाएंगे, सांस्कृतिक विरासत में जाएंगे तो वो एक ही पाएंगे। तो ऐसे में जो बार बार उनको एक करने की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करती है। यानी कि साफ तौर पर जो मोहन भागवत का कहने का अर्थ है वो साफ है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो वो सब एक हैं, उनका डीएनए एक है। रही जरा आप साथ, देखिए विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। हम मानते हैं कि हम सबको जोड़ने वाला तत्व भारतीय होता है, एक माँ की हम सब संतान, सांस्कृतिक प्रवाह एक, परंपरा एक, संविधान में दिए गए आदर्श सबने स्वीकार,
और इसलिए हिंदू और मुसलमान हम सबका डीएनए एक होने के कारण हम में कोई मौलिक मतभेद नहीं। सत्संग चालक जी के बयान का स्वागत। अब देखिए मोहन भागवत के ट्वीट पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक ट्वीट किया और जवाब दिया और लिखा कि आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबा, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए सभी भारतीयों का सांस्कृतिक डीएनए एक ही बताया। हमारा मानना है कि सारे भारतीयों का सांस्कृतिक डीएनए तो एक ही है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, कोई ग्रंथ को मानेंगे, कोई मूर्ति पूजा में मानेंगे, कोई आस्तिक होंगे, कोई नास्तिक होंगे, परंतु हमारी सांस्कृतिक धरोहर तो एक ही है। हम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का सांस्कृतिक डीएनए एक है। यतेंद्र, मोहन भागवत ने फिर से अपनी बात दोहराई है, लेकिन इसके बाद फिर से वैसी ही सियासी हलचलें बढ़ चुकी है जैसे हमने पहले देखी थी। देखिए, जब भी संघ प्रमुख मोहन भागवत कोई बात कहते हैं तो वो सियासत उस पर जरूर गरमाती है, और खासकर तब जबकि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब से कुछ महीनों के बाद होने वाले हैं, तो ऐसे में सियासत जो गरमाना वो लाजमी है। क्योंकि बड़ी बात मोहन भागवत ने एक बार फिर से कही है, वो पहले भी इन बातों को दोहराते रहे हैं कि जो डीएनए है भारतीयों का वो एक है और भारत में इस्लाम खतरे में नहीं है। क्योंकि जो आरएसएस को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं कि आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ काम करता है, उनको जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जो भारत की संस्कृति है, उसको अलग करने की कोशिश करता है, तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि जो लोकतंत्र है उसमें हिंदुओं के प्रभुत्व को या मुसलमानों के प्रभुत्व को एक करके नहीं देखा जा सकता। और जहां तक एकता की बात है तो पहले से ही है, पूजा करने की पद्धति अलग है, लेकिन पूजा अलग करने के तरीके से उनको अलग नहीं किया जा सकता। और जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो राजनीतिक तौर पर या राजनीतिक तरीके से एक नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उनके डीएनए में, डीएनए को समझना पड़ेगा, और जो डीएनए को समझ लेगा, जो उस विरासत को समझ लेगा, तो वो अपने दूसरे भाइयों से, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को जो झगड़ा हमेशा से होता रहा है वो नहीं होगा। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि डीएनए को समझने की जरूरत है, और जो भारतीय हैं, जो भारत में जो भी किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म से लोग रह रहे हैं, वो सब एक हैं, उनका डीएनए एक है। एक बड़ी बात इस बात को कही, और जो आरएसएस को लेकर हमेशा से बात कही जाती है, जो जिस तरह का उसका आरएसएस का स्वरूप गढ़ा जाता है, उसके उलट संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान है। और जाहिर है क्योंकि राजनीति होनी ही है इस पर, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिसमें उत्तर, देखिए बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। यतेंद्र, रहिए जरा आप साथ। देखिए, मोहन भागवत के बयान पर दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि ये विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर दें तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय दलवी ने मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए। 10,000 साल पहले पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 10,00,000 थी, और अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि 40,000 साल पहले पूर्वज सबके एक थे, तब तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन सबका भी डीएनए वही है। उनको भी शामिल कीजिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, सारी आबादी का डीएनए एक ही है। वही ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। मोहन भागवत जी को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जिस तरह से जो किताब का लोकार्पण किया, उस मौके पर उन्होंने जिस तरह से सभी को लेकर चलने की बात और सब एक होने की बात, भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारकबाद है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज
विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है। और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा और इससे हमारे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट को कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में आज के लिए बंद कर दिया गया है। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में भारी भीड़ जुटने पर यह कड़ी कार्रवाई की गई। तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद दिल्ली के बाजारों में बेतहाशा भीड़ देखने को मिल रही है और उसके बाद अब एक के बाद एक सरकार को कदम उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट को कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में आज के लिए बंद कर दिया गया है। जावेद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, सिर्फ ये आज के लिए मार्केट बंद है या आने वाले कुछ दिनों के लिए भी निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए, जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, लिहाजा इस मार्केट को बंद किया जाता है और यहाँ मार्केट एसोसिएशन को 24 घंटे का वक्त है, यानी एक दिन का, कि आप बताइए कि कैसे अपनी दुकानों में कोरोना नियमों का पालन करेंगे और उसके बाद प्रशासन आगे का निर्णय लेगा कि मार्केट आगे खोली जाएगी या नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि फिलहाल आज के लिए मार्केट बंद है और आज शाम तक ये बात का फैसला होगा कि आगे मार्केट खोली जाएगी या नहीं। बैठक प्रशासन की मार्केट एसोसिएशन के साथ होनी है और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर आज के लिए जो दिख रहा है कि अभी फिलहाल ये मार्केट, लाजपत नगर मार्केट जो है वो बंद किया गया है, लेकिन साथ ही साथ बैठक भी होगी जिसमें ये अब तय करना है कि कैसे इन नियमों का पालन कराया जा सकता है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के आगरा में लव जिहाद और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का एक नया मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने आरिफ नाम के शख्स के खिलाफ लव जिहाद और धर्म बदलने का दबाव डालने का केस दर्ज कराया। न्यूज 18 के हेमंत उपाध्याय की खबर है कि महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि आरिफ उससे लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में मिला और उसने अपना नाम आदित्य बताया। महिला की शिकायत के मुताबिक शादी के बाद आरिफ ने उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। की एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है वो उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा कन्वर्जन लॉज है, उसको उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, जरा ये पूरा मामला बताइए, क्या है ये पूरा मामला? देखिए बिल्कुल अर्पिता, ये आगरा का मामला है और एतमादपुर के इलाके का, जहां पर एक होटल मालकिन है, उसका उससे एक लड़के से उसका संबंध हो जाता है, जिसका जो अपना नाम छुपाता है लड़का, जानबूझकर उस महिला को अपनी जाल में फंसाता है। नाम उसका आरिफ रहता है लेकिन वो उसे आदित्य के नाम पर बुलाता है और जब वो पूरे अपने मोह माया जाल में फंसा लेता है, उसका जबरन धर्मांतरण कराने की करा देता है, जिसके बाद उसे ब्लैकमेलिंग की जाती है। और अब महिला ने बाकायदा जबरन धर्मांतरण का केस दर्ज करा दिया है, साथ ही उसके खिलाफ रेप का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगरा पुलिस ने, जो रोहन बोत्रे हैं एसपी सिटी, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमने जबरन धर्मांतरण के जो लॉज हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज किया, जो महिला ने शिकायत की उसके खिलाफ दर्ज किया और ये 20 साल से पूरा मसला चल रहा है। तो लव जिहाद और धोखा, तीनों मामले इसमें सामने आए कि आपने अपने को लखनऊ का एक टिम्बर कारोबारी बताया पहले आदित्य ने, कि जो उसका नाम आरिफ था, बाद में पता चला तो ये विवाद बढ़ता गया, मारपीट शुरू हो गई, उसके बाद अंत में महिला ने इसकी शिकायत आगरा की पुलिस से की और जिसके बाद ये मामला दर्ज हो गया। हालांकि अब इस पूरे मसले में आरिफ को तो जरूर जेल भेज दिया गया लेकिन अभी इस बात की जांच की जा रही है कि आरिफ के साथ जो आदित्य बनकर रहा था कौन कौन से लोग थे। बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये एक बार फिर लगातार यूपी ATF जांच कर रही है अर्पिता, लगातार छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही हैं सलाउद्दीन से लेकर जो है इरफान तक की, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो सरकार को मजबूरन इस पर कार्रवाई करना होता है। और सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जब धर्मांतरण निषेध कानून उत्तर प्रदेश में लागू है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और अब तक 22 मामलों में यूपी पुलिस ने चार्जशीट लगा रखी है। फिलहाल देखिए, अभी पुलिस ने आरिफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, आगे की पूछताछ चल रही है। महिला ने जब आरोप लगाए उसके बाद फिलहाल की गिरफ्तारी हुई है।
पंजाब में एक और बड़े नेता ने बिजली नीति पर सवाल उठाए। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी ही सरकार पर अब सवाल उठाए हैं और वो भी सवाल बिजली को लेकर उठे हैं। उन्होंने बिजली पर अब तक श्वेत पत्र नहीं लाने पर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बिजली के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र का वादा किया था। लगभग 16 महीने बाद भी राज्य की ओर से ऐसी कोई जानकारी जारी नहीं की गई। बाजवा ने पंजाब सरकार से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों से 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। तो कुल मिलाकर बिजली पर अब अपने ही सरकार को घेरते राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा नजर आ रहे हैं। अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया और ये कहा कि पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बिजली के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र लाने का वादा किया था। लगभग 16 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। बाजवा ने पंजाब सरकार से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग भी कर दी है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज कपाही हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ अरुण इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजली की बात कह जाते हैं, यहां पर प्रताप सिंह बाजवा भी इसी मांग को उठा रहे हैं और अपनी सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने ये मांग की थी। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि 300 यूनिट बिजली देनी चाहिए, पावर एग्रीमेंट जो किए हुए हैं, जो अकाली सरकार के समय हुए थे, उसको रद्द किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने भी स्टेटमेंट दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पावर एग्रीमेंट है उसकी समीक्षा की जा रही है, अगर रद्द करने पड़े तो रद्द किए जाएंगे, लेकिन मामला कोर्ट में भी जो है वो है। तो ऐसे में अब नवजोत सिंह सिद्धू के बाद प्रताप सिंह बाजवा वो मांग कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा ये कह रहे हैं कि श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर लेकर आना था, वो सरकार नहीं लेकर आई। 300 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त देनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं। पार्टी आलाकमान ने भी ये कहा था कि 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्योंकि पंजाब में बिजली महंगी है, तो पावर एग्रीमेंट जो अकाली सरकार के समय हुए हैं उसको रद्द करना चाहिए। तो ऐसे में जहां अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस के अपने ही नेता, बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा, वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि बिजली भी सस्ती होनी चाहिए और इसके साथ साथ पावर एग्रीमेंट भी कैंसिल होने चाहिए और इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली मुफ्त भी जो है वो देनी चाहिए। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। वहीं कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बिजली संकट पर अपनी ही पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द श्वेत पत्र लाने की मांग की, क्योंकि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने श्वेत पत्र लाने की बात कही थी, जिसके बाद अब प्रताप सिंह बाजवा ये सवाल उठा रहे हैं। अरुण, कैप्टन अमरिंदर की तो मुश्किलें ही कम नहीं हो रही। नवजोत सिंह सिद्धू का मामला भी सुलट ही रहा था कि एक और बाजवा साहब, प्रताप सिंह बाजवा साहब, अब बिजली के मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश में। देखिए, पंजाब कांग्रेस के लिए विपक्ष की भूमिका भी उसके ही नेता निभा रहे हैं इस वक्त। अगर आप ध्यान से देखिए तो नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा लगातार पिछले कई महीने से कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को टारगेट करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे वो ड्रग्स माफिया का मामला हो, चाहे वो रेत माफिया का मामला हो, और अब बिजली को लेकर। बिजली को लेकर सवाल ये भी है कि बिजली संकट पिछले दिनों पंजाब में आया था और अब से उबर पाना पंजाब सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ, और इसलिए उस मुद्दे पर किसानों के लिए बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है। और चूंकि बिजली को लेकर के इस समय खेती का काम चल रहा है, बिजली जरूरी है, इसको लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा दोनों कह रहे हैं कि सरकार ने जो बिजली खरीद का जो समझौता किया है वही फॉल्टी है, उसमें तमाम दोष हैं, नए तरीके से बिजली खरीद का समझौता करना चाहिए, उसकी ऑडिट होनी चाहिए, श्वेत पत्र उस पर लाना चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार पर भरोसा उनको नहीं, उनको लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। सवाल सिर्फ यही नहीं, आप नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट को देखिए तो उसमें वो कह रहे हैं कि 18 पॉइंट का जो एजेंडा केंद्र ने भेजा है नवजोत सिंह सिद्धू की सुझाव पर, उसको अगर पंजाब सरकार ध्यान से देखे तो उसमें सारी समस्याओं का जड़ मिल जाता है। यानी नवजोत सिंह सिद्धू ये भी याद दिलाना नहीं भूलते कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि केंद्र सरकार, केंद्र की तरफ से, माफ करिएगा, केंद्रीय पार्टी नेतृत्व की तरफ से जो उनको निर्देश दिए गए हैं उसको वो अब तक पूरा नहीं कर रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 हफ्ते का वक्त हो गया है जब राहुल गांधी ने निर्देश दिए थे, और वो निर्देश थे जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की मांगें शामिल थी, उसको भी अभी अमरिंदर सिंह ने उस पर भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। और ये भी नाराजगी की वजह है, सिद्धू हो चाहे बाजवा हो, तो दोनों मिलकर के अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। और पंजाब सरकार की अगर बात करिए
सुखबीर बादल या बीजेपी या आम आदमी पार्टी, इनसे ज्यादा हमले पार्टी के अंदर से ही हो रहे हैं जी। फिलहाल शुक्रिया अरुण, आपका भी, पंकज भी हमारे साथ मौजूद थे, पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 इंडिया की वेबसाइट ने आज तक .com को पछाड़ा।